हर हर महादेव। एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो संभाजी नगर औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यह मंदिर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होता है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे, और वहां से वेरुल गांव के लिए आपको मंदिर तक ऑटो या फिर बस से आना होगा। ऑटो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, लगभग 600 रुपये, और अगर आप बस से आते हैं तो यह लगभग 70 रुपये आपका चार्ज हो सकता है। नियरेस्ट एयरपोर्ट औरंगाबाद है, जहाँ से यह ज्योतिर्लिंग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप रोड से आ रहे हैं तो पुणे से यह लगभग 250 किलोमीटर दूर और मुंबई से 320 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप पर्सनल कार से आ रहे हैं देन पार्किंग की सुविधा है यहाँ पे, और जिसका चार्ज कुछ 50 रुपीज़ है, और मंदिर यहाँ से लगभग 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। सो हम आ गए हैं अभी मंदिर के पास मार्केट में, और जहाँ पर आप प्रसाद और पूजा की सामग्री लेकर यहीं से लाइन में लगना होता है। कुछ लोग आपको वीआईपी दर्शन के लिए अप्रोच कर सकते हैं 200 पर पर्सन, बट यहाँ ऑफिशियल वीआईपी पास नहीं है मंदिर की तरफ से। सो आप सिंपली नॉर्मल लाइन में लगकर भोलेनाथ के दर्शन करिए, जो बहुत ही अच्छा दर्शन होगा। मंडे और श्रावण में यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है, सो आप लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 से 4 घंटे का समय, और मंदिर में एंट्री के पहले आपको मोबाइल एंड कैमरा अलाउड नहीं है, सो आपको डिपॉजिट करना होता है। सो अब हम आ गए हैं मंदिर के मेन प्रांगण में, और यहाँ पर अंदर भी लाइन लगती है, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है आपको, लेकिन जो पॉजिटिव वाइब्स है और अद्भुत नज़ारा है आपको दिखेगा यहाँ पे। और यहाँ पर एक प्रथा है कि जेंट्स को अपनी शर्ट बनियान और बेल्ट वगैरह निकालने के बाद ही गर्भगृह में प्रवेश मिलता है, और उसके बिना अंदर जाना अलाउड नहीं है। सो इस बात का ध्यान रखें और पालन भी करें, क्योंकि यह हमारी पुरानी परंपरा है, जहां माना जाता था कि बॉडी और माइंड प्योर होना चाहिए और भगवान के सामने नतमस्तक होकर जाना चाहिए बिना कुछ दिखावा किए, और इसीलिए इस प्रथा का प्रचलन और पालन आज भी हो रहा है इस ज्योतिर्लिंग में, और हमें इसका सम्मान भी करना चाहिए और पालन भी करना चाहिए। हालांकि यह रूल लेडीज़ के लिए अप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं है, बट वो ट्रेडिशनल ड्रेस में आ सकते हैं। यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, और टोटल 12 ज्योतिर्लिंग में से ऐसे दो ही ज्योतिर्लिंग है जो पूर्वाभिमुख हैं, मीन्स उसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, और जिसमें से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एक है और दूसरा है महाकाल जो कि उज्जैन में है। बाकी 10 ज्योतिर्लिंग का डायरेक्शन उत्तराभिमुख है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन माना जाता है। सो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान शिव की एक परम भक्त थी घुष्मा, और वो रोज 108 शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी और इस कुंड में डालती थी। एक दिन घुष्मा की बड़ी बहन ने उसके बेटे को ईर्ष्यावश रात में मारकर इस कुंड में डाल दिया था, और जब घुष्मा को यह बात पता चली तो अगली सुबह जब कुंड के पास आई तो उसका बेटा जिंदा होकर वापस आ रहा था। तब से यहाँ माना जाता है कि भगवान स्वयंभू हैं और आज भी निवास करते हैं। 13वीं-14वीं शताब्दी में मुगल आक्रमणकारियों ने कई बार इस मंदिर को नष्ट किया, और 16वीं शताब्दी में बताया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी मालोजी विश्ले ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन इस बार भी फिर से मुगल शासकों ने इसे ध्वस्त कर दिया। 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर, जो कि इंदौर की महारानी थी, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया। अभी मंदिर का जो भी संरचना आप देख रहे हैं,
ये उनके द्वारा ही कराया गया है और यह दक्षिण भारतीय शैली में बना मंदिर है जो 44,000 स्क्वायर फुट की एरिया में फैला हुआ है। ग्रिस्टेश्वर मंदिर में दर्शन का जो बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर से फरवरी तक है विंटर सीजन में, और यहाँ पे आरती दिन में 3 बार होती है और एक शाम की आरती 7:30 को होती है। अगर आप यहाँ रुकने का प्लान कर रहे हैं तो आप मंदिर के पास भक्त निवास है जहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे सिर्फ ग्रुप बुकिंग ही है, 40 से 50 लोग अगर आप लोग हैं और 2 या 3 लोगों के लिए बुकिंग चाहिए तो ओम सिद्धेश्वर भक्ति निवास में आप चेक कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट सम अराउंड 800 to 1200 के आसपास है। अगर आपका बजट अच्छा है तो यू कैन ऑल्सो चेक फॉर द होटल्स विच कॉस्ट यू अराउंड 3,000 to 4,000 पर नाइट। मंदिर से 500 मीटर्स की दूरी पर एलारा केव से, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको आप विजिट कर सकते हैं। औरंगाबाद सीरीज़ का ये हमारा 4th ब्लॉग है, सो अगर आप पहले 3 वीडियोस को देखना चाहते हैं तो औरंगाबाद की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उसे आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव। We'll be right back.